हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे पीछे टाटा सुमो 2014। इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं हमेशा बना रहूँ कोई भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो के साथ हमेशा। ये देखिए पानी नीचे टपक रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर में वाटर पम्प है, ज़रूर वाटर पम्प ख़राब हो गया होगा। ये देखिए पानी निकल रहा है यहाँ से, इसको खोलेंगे और देखिए आप लोग वीडियो को। ये देखिए सभी पार्ट्स को हम लोग खोलेंगे। इसमें रेडिएटर है, फैन है। ये टाइट कर रहे हैं हम लोग डायनामो का एग्जॉस्टिंग बोल को। टाइट करने से फैन बेल लूज होता है और हम लोग तभी फैन बेल को निकाल पाएंगे। फैन में एक एलन की बोल्ट दिया हुआ है जो कि ये रिवर्स शेप का है, इसको टाइट करने से खोलता है ये। अभी ये खोल रहे हैं टेंशनर पुली। इसको खोलने के बाद में टाइमिंग बेल्ट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये टाइमिंग बेल्ट हम लोगों का बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसका कारण ये है कि वाटर पम्प पुली जो सीज हो गया है और इसके वजह से हम लोग का इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये देखिए टाइमिंग बेल्ट इसका क्या हाल हो गया है। अभी ये खोल रहे हैं ये जो फैन माउंटिंग है, इसमें फैन लगता है, इसको खोल के निकाल देंगे। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये है वाटर पम्प पुली, यही सीज हुआ है। ये देखिए ये पुली जो बिल्कुल जाम हो गया है, नहीं घूमता है, घूमना चाहिए ये पुली फ्रीली। अभी ये वाटर पम्प को हम लोग खोल दिया है। ये देखिए वाटर पम्प बाहर आ गया। अभी ये हम लोग लेके आया है नया वाटर पम्प और टाइमिंग बेल्ट। ये है इसमें वाटर पम्प है और साथ में गास्केट भी दिया है। ये वाटर पम्प अभी इसको लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है, पहले वाला जाम था पुराना वाला। ये है टाइमिंग बेल्ट, नया टाइमिंग बेल्ट लेके आया है। और ये वाटर पम्प का जो जगह है उसको भी साफ कर लिया हम लोग। अभी इसको इसमें वाटर पम्प लगाएंगे हम लोग। ये इसमें गास्केट डाल दिया। वाटर पम्प हम लोगों का फिट हो गया है। अब ये फैन माउंटिंग को लगाएंगे, फिट कर देंगे। इंजन टाइमिंग को मिलाने के लिए हम लोगों ने ये एल टाइप का एक जुगाड़ बनाया है। इसको देखिए कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को ये देखिए आप लोग यहाँ में अच्छी तरह से कैसे हम लोगों को इसको मिलाते हैं टाइमिंग को। सेल्फ का साइड में एक होल है जो फ्लाई व्हील साइड है, ये उसमें हम लोगों को इंजन को घुमा के ये इसको लॉक करेंगे, तभी टाइमिंग मिलेगा हम लोगों का। हमें जो इंजन का मेन पुली है उसको घुमा के ये देखिए हम लोग ऐसे कैसे घुमा रहे हैं। और हम लोग का ऑलरेडी लॉक हो गया है, लॉक नहीं होने से इसको और घुमाना है। ये देखिए इसको पकड़ के रखना है ऐसे और इंजन को घुमाने से ये लॉक हो जाएगा। केम टाइमिंग को भी मिलाना है। ये देखिए इसमें एक 13 mm का जो बोल्ट है उसके साथ इसको अटैच करना है।
तभी जाके ये टाइमिंग पर सेटिंग होगा। और इसके बाद हम लोग जो FIP का जो टाइमिंग है उसको भी मिलाएंगे। ये बिल्कुल प्ले नहीं रहना चाहिए, प्ले होगा तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने बोल्ट को कैसे फंसा दिया है, ऐसे ही इसको कैम का टाइमिंग को सेट करना है। और थोड़ा कस के टाइट कर देंगे ताकि ये प्ले ना हो। अभी हम लोगों का बारी है FIP का टाइमिंग को मिलाने के लिए। घुमाओ घुमाओ और घुमाओ, और आएगा और थोड़ा आएगा। दोस्तों इसको अच्छी तरह से देखना ताकि कोई तकलीफ ना हो। ये जो होल दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक 13mm का जो बोल्ट लगेगा, तो वो होल है, इसमें थ्रेड है, इसमें हम लोग ये बोल्ट फंसा देंगे। ये देखिए बोल्ट लगा दिया हम लोगों ने। और इसके बाद इसका ऊपर में भी एक बोल्ट लगेगा सेम टू सेम। ये देखिए ऊपर भी होल है, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, ये इसमें भी एक होल दिखाई देगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम लोग बोल्ट फंसा सकते हैं ताकि प्ले ना हो, फिक्स हो जाए। FIP का टाइमिंग को सेट कर दिया है, अभी बारी है टाइमिंग बेल फिट करने का। दोस्तों टाइमिंग बेल को कैसे फिट कर रहे हैं देखिए अच्छी तरह से आप लोग। और आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसे टेक्निकल वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। और एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए FIP का ऊपर से कस के इसको लेना है, और सभी तरह से लेके हम लोग ये जो टेंशनर की मदद से इसको टाइट कर देंगे बेल्ट को। और जाएगा और टाइट होगा, ठेलो इसको, हाँ बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, टेंशनर को टाइट करना है। टेंशनर पुली की मदद से फैन बेल को जो टाइमिंग बेल को कैसे टाइट करते हैं आप लोग देखिए। टाइमिंग बेल फिट हो गया, ये देखिए इसका फ्री प्ले कितना रहना चाहिए। अभी ये फाइनल चेकअप के बाद में स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। ये हो गया हम लोगों का स्टार्ट, मार लगाओ, चाबी पकाओ। हो गया, फिर से स्टार्ट करो। Yes.